A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. Well, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं मेरा ट्विटर पे एक नया वीडियो। वह इस चैनल में हम स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स डालते रहते हैं, स्पेशली नीड्स से सब के डालते रहते हैं, काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज के बारे में हेल्प आपको करते हैं। सो आप सबको बता दूँ कि पौंडीचेरी की काउंसलिंग का स्टार्ट हो चुका है, सो आप सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही ये बताएंगे फीस कितना लगेगा और अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी न्यूज़ है। साथ में आपको बता दूँ सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, विनायका मिशन, ये सब जितने भी रहेंगे पांडिचेरी साउथ के कॉलेज, उसमें ज़रूर आप अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको 200 मार्क्स है, 220 मार्क्स है, 250 मार्क्स है नीट में, तो एडमिशन मिल सकता है दोनों स्टूडेंट के लिए स्पेशली। तो जहाँ पर भी हो अप्लाई करके ज़रूर रखो, क्योंकि आपको लास्ट में अफसोस ना हो कि मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा का जो दिखा रहा है 1000 रुपीज़, वो आपको है, और एसएससी के लिए 100 है, ठीक है, और मैनेजमेंट कोटा के लिए जो कि है 2000, और एनआरआई फॉरेन के लिए 2000। मतलब टेक्निकली आपको क्या है, मैनेजमेंट कोटा या अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको 2000 पे करना है। इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम पौंडीचेरी देन ऑनली यू हैव टू पे 1000। सो काउंसलिंग के लिए 2000 पे करके रखिए, ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कीप इन माइंड कि ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। लेकिन 2000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप मेडिकल के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको सीट्स मिलने चाहिए और अच्छे कॉलेज में मिलने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और बता दो आपको, गवर्नमेंट कोटा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, पौंडीचेरी का, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर मैनेजमेंट कोटा के लिए नो रिस्ट्रिक्शन है ऑन रेसिडेंस, आप देख सकते हो कैसे भी, और माइनॉरिटी कोटा के लिए भी अगर है तो आपको वहाँ पर होना चाहिए। बाकी जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग स्पॉन्सरसिंग कोटा के जो एडमिशंस जो कॉलेजेस ले रहे हैं उनके लिए उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ कॉलेजेस जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के। सो जैसे कि पहले देखते हो पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, पौंडीचेरी गवर्नमेंट कोटा के अंदर 54 है, मैनेजमेंट कोटा के अंदर 46 है, और माइनॉरिटी कोटा के अंदर 50 है जो क्रिश्चियन। सो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे श्री मनकुला विनयागर मेडिकल कॉलेज जो है पौंडीचेरी का, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इतने जो है दो कॉलेज, तीन कॉलेज एमबीबीएस के, और दो जो है प्राइवेट डेंटल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर आप जरूर ट्राई करके एक बार देख लो अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी का, गवर्नमेंट कोटा ही है 106 सीट्स, और एनआरआई अगर है तो आपको 22 सीट्स वहाँ पे आप एप्लीकेबल है, लेकिन अदर स्टेट्स के लिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट सीट्स में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे आपके साथ शेयर करने के लिए। इससे कुछ भी नोटिफिकेशन इस तरह के अगर आते रहेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरे नॉलेज पे है, ज़्यादा जितना मुझे आता है उतना ही मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर आप कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।